तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में कैलकुलेशन के पार्ट को। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे पिवट टेबल में समराइजेशन, पिवट टेबल में ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। जैसे कि पिवट टेबल हमने लिया और मान लीजिए कि हम एक पिवट टेबल इस पे लगाते हैं, और पिवट टेबल में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जून वाइज सेल्स की रिपोर्ट बना दी, राइट। तो मुझे यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। क्यूमुलेटिव टोटल समझते हैं ना कि इन दोनों में ऐड होती है, क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। तो आप अमाउंट को मैं यहाँ एक बार और रख देता हूँ, मतलब कि आप वैल्यू में एक से ज्यादा, एक एक ही फील्ड को, एक से ज्यादा फील्ड को रख सकते हो। और यहाँ पे जब मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे यहाँ क्लिक करके, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या होता है कि आप सम के जगह पे काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन इसी के बगल में आपका होता है शो वैल्यू एज। तो शो वैल्यू एज पे जब मैं गया तो यहाँ पे नो कैलकुलेशन होगा, मैंने नो कैलकुलेशन को लिया और यहाँ पे हमारा रनिंग टोटल है, इस रनिंग टोटल को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा क्यूमुलेटिव टोटल आ गया। मुझे इसमें क्यूमुलेटिव टोटल नहीं, मुझे क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए। तो मैं यहीं पे परसेंटेज रनिंग टोटल सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ जाएगा। मुझे क्यूमुलेटिव परसेंटेज नहीं, मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज चाहिए कि ओवरऑल में सेंट्रल कितना परसेंट सेल रेवेन्यू जनरेट किया है, इस कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मैं इस पे भी डबल क्लिक करूंगा, वैल्यूज पे जाऊंगा और यहाँ पे आपके पास होता है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, रो टोटल। तो परसेंटेज ऑफ रो टोटल करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा। 100% क्यों हो गया यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी रो टोटल नहीं, कॉलम टोटल होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा, क्योंकि एक कॉलम है ना बी। तो ये आपका आ गया कि 18 टोटल 100% सेल में 18% आपका सेंट्रल का है, 20% 20.61% ईस्ट का है, नॉर्थ का है, इस तरह से इसका परसेंटेज आपको शो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से अमाउंट हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट को यहाँ रख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में मान लीजिए कि हमारा फिलहाल मैं यहाँ पे नो कैलकुलेशन कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा टोटल है। अब देखिए कॉलम टोटल क्या होगा कि इससे ये जो दिख रहा है ना आपको 7382 34 से बाकी सबको डिवाइड करके परसेंटेज देगा। अगर आप यूज करते हैं रो टोटल, कॉलम टोटल, अगर आप रो टोटल यूज करते हैं तो इस 8488 से सबको डिवाइड करके परसेंटेज बनाएगा। अगर आप ग्रांड टोटल करते हैं तो ये जो टोटल है 4585, इससे हर एक सेल को परसेंटेज में डिवाइड करेगा। तो यही आपका जब यहाँ सॉरी यहाँ वैल्यू ऑफ ग्रांड नो कैलकुलेशन की जगह पे अगर मैंने ग्रांड टोटल दिया तो आपने इसमें ये देख लिया आपने किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव टोटल करेंगे, किस तरह से परसेंटेज ऑफ रो टोटल ग्रांड टोटल करेंगे। लेकिन मुझे परसेंटेज किसी पर्टिकुलर के हिसाब से निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं डेटा में सेल्स का टारगेट ऐड करता हूँ, मैं हर एक पर्सन का टारगेट है, जैसे कि मान लीजिए सेल्स पर्सन है ना, तो यहाँ पे टारगेट, तो यहाँ पे मैं 1500 और यहाँ पे मैं 620 और ये हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए पिवट टेबल में मैं सबको हटा देता हूँ, हाँ इसको हटा देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे मैं सेल्स पर्सन को लेकर रखा तो यहाँ पे टारगेट नहीं आया, नहीं आया टारगेट, क्योंकि देखिए जब भी पिवट टेबल के अंदर में कुछ किसी भी तरह का आप चेंजिंग करते हैं तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है,
तो अपडेट हो जाता है। लेकिन पिवट टेबल में मैंने नई डेटा ऐड की, क्योंकि पिवट टेबल जब मैंने लगाया था तो 1784 तक ही लगा था, बाद में मैंने यहाँ पे 1785 को ऐड किया है। तो पिवट में इसको ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एनालाइज में जाऊंगा और यहाँ चेंज डेटा सोर्स में जाके और अपने डेटा को सेलेक्ट करूंगा एंड ओके। तो ये आपका टारगेट आ गया। मैं टारगेट में थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मैं यहां पे हाँ सॉरी, मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था, माफ कीजिएगा, ऊपर का नीचे ला दिया था, मल्टीप्लाई पे दैट। मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, आ गया, फिर भी एक डिजिट कम है इसमें। अब सही है, तो हमारा टारगेट है। अब मुझे इससे सबको डिवाइड करना है और मुझे अपना परसेंटेज शो करना है कि किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। तो मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, सो वैल्यू पे एज पे आऊंगा और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, और परसेंटेज ऑफ में सेल्स पर्सन और मैं सबसे नीचे टारगेट को सिलेक्ट करके ओके करूंगा। तो देखिए टारगेट से पूरा डिवाइड हो गया। तो इसी तरह की जो कैलकुलेशंस है, फील्ड की कैलकुलेशंस है, फील्ड की कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। प्लान टोटल, प्लान कॉलन, डिफरेंस, रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल, सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये सारे आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा, किसी में आपको अगर दिक्कत आया, प्रॉब्लम आया, नहीं कर पाए तो उसको नोट करके मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है, अब मेरे इस डेटा में आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी एमआरपी है लेकिन टोटल नहीं है, राइट सर। अब मैं इस पे पिवट लगाता हूँ, पिवट लगाने के बाद मुझे यहाँ पे जोन वाइज मुझे यहाँ पे एवेन्यू चाहिए, अमाउंट चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेटा में अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं की गई है और इसके अंदर हम किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे डेटा लिंक है, ठीक है सर। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम फील्ड कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। हम यहाँ एनालिसिस पे जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू फील्ड सेट पे आएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाके मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ। और यहाँ जैसे कि ये आपका क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, हम इसको ऐड कर देते हैं, ये आपका कैलकुलेट हो गया। सिर्फ इसमें नहीं, मान लीजिए और भी मुझे इस पे टैक्स निकालना है 18%, तो कैलकुलेटेड फील्ड पे आऊंगा, टैक्स लूंगा और टैक्स में मैं यहां से अमाउंट को इंसर्ट करूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाई 18% यहाँ लिख दूंगा। तो ये हमारा 18% निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल वर्कशीट फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका डेसिमल प्लेसेस में आया, एक फॉर्मेट से आप इसको अगर डेसिमल हटाते हैं तो विजुअल हटता है बट ओरिजिनल में आपका डेसिमल तो रहेगा ही। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ एनालाइज में आइए, तो यहाँ पे मैं आर टेक्स नाम का एक नया फील्ड बनाता हूँ और इसमें मैं एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला राउंड का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें कॉमा 0 कर देता हूँ। अब मैं जैसे ऐड करूंगा ये देखिए आपका राउंड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस पे पिवट टेबल बनाता हूं
और मान लीजिए कि मैंने सेल्स पर्सन को उठा के यहाँ रखा और हमने क्वांटिटी का सम यहाँ दे दिया, तो क्वांटिटी का सम यहाँ आ गया। अब इसमें मुझे इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव ये देना है कि अगर बिलो 10,000 सेल होता है तो हमें इंसेंटिव देना है 5,000, अगर 10,000 से 15,000 तक है तो हमको देना है 10,000, अदरवाइज 15,000, अगर 15,000 से ऊपर है तो। ऐसी नेस्टेड जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस वगैरह है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैलकुलेटेड फिल, यहाँ पे मैंने दे दिया INC और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इफ का, इफ ब्रैकेट ओपन, हमने क्वांटिटी लिख दो या सिलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ से कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 10,000 तो 5,000 सो हो। और फिर अगेन इफ लगाया और मैंने क्वांटिटी को लिया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 15,000 है तो 10,000, अदरवाइज 15,000। और फिर दो इफ, तो दो ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया और हमने इसको ऐड किया एंड ओके। यहाँ देखिए, ठीक है, तो इस तरह के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और जैसा कि कल किसी ने पूछा था कि अगर किसी बने हुए से मैं आर टैक्स को मुझे हटाना है टैक्स को, तो मैं यहाँ पे जैसे ही टैक्स लिखूंगा तो यहाँ पे मॉडिफाई और डिलीट आ जाएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा और आपका वहां से हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर दो फील्ड को जोड़ना है, जैसे कि मुझे ललिता और देव को जोड़ना है इकट्ठा, तो राइट क्लिक करके ग्रुप हम करते हैं तो दोनों का जोड़ के यहाँ पे आ जाता है ना ग्रुप वन, या टोटल दिख जाता है आपका, लेकिन मुझे ग्रुप नहीं करना है, हमें इसी में जोड़ना है। तो आप कैलकुलेटेड फील्ड के नीचे हमारा कैलकुलेटेड आइटम था। अब देखिए, कैलकुलेटेड आइटम आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप इस पे कर्सर रखोगे, अगर कर्सर आपने यहां रख दिया तो देखो कैलकुलेटेड आइटम डिसेबल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेटेड यहाँ पे आइटम पे क्लिक कीजिएगा, कैलकुलेटेड आइटम पे जाइएगा और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं TL1 करके एक हेडिंग बनाया और इसमें मुझे जो है ललिता ऐड करना है, ललिता प्लस देव को ऐड करना है और ऐड कर दे। तो यहाँ भी सारे मैथमेटिकल कंडीशंस और फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं जैसा कि आपने कैलकुलेटेड फील्ड में लगाया था, ठीक है। और इसमें आपके पास लिस्ट फॉर्मूला का ऑप्शन होता है जो कि बताता है कि इसमें कि कैलकुलेटेड फील्ड में क्या क्या कैलकुलेशन की गई है और कैलकुलेटेड आइटम में क्या क्या कैलकुलेशन की गई है, तो इसको आप यहां से देखा जा सकता है। क्लियर है, कोई डाउट सर? चलिए, हाँ सर, हाँ पूछिए। सुधीर जी, हाँ इसमें जो आपने अभी कैलकुलेट ग्रुप बनाया ना, तो इसमें वो लोग यहाँ से चले नहीं जाएंगे? मतलब जैसे आपने ललिता और देव को बनाया, उनका एक नया ग्रुप बना, हाँ, तो लेकिन और फिल्टर उसको फिल्टर से हटाना पड़ेगा, खुद ब खुद नहीं हटेगा, से हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक है। है अब इसको एक चीज और हम आपको बताते हैं, हमने एक पिवट टेबल बनाया, पिवट टेबल बना के हमने एक रिपोर्ट तैयार कर दी जैसे कि जोन वाइज और हमारे प्रोडक्ट वाइज, अमाउंट, ठीक है। अब मैंने इसको सेल्स पर्सन वाइज यहां पे फिल्टर रख दिया, सॉरी सेल्स पर्सन को फिल्टर में रख दिया, एक मिनट। या फिर मैं सेल्स पर्सन वाइज ही बनाता हूँ। अच्छा, ये पिवट में कुछ और बना हुआ था इसमें सेल्स पर्सन, हाँ बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे रिपोर्ट, ये जो जितने भी हमारे ए है क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को अलग अलग हमारे
डिपार्टमेंट देखते हैं, तो हर डिपार्टमेंट को मुझे इसका फाइल रिपोर्ट मेल करना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग मेल करने के लिए मुझे अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग सीट पे कैसे, हर सीट पे अलग अलग कैसे बनेगा? तो उसके लिए आप डिजाइन में नहीं, एनालाइज में ही सबसे पहला आपका आता है ऑप्शंस। ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज है, इस पे क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। विथ इन सेकेंड में देखिए हर शीट का अलग अलग रिपोर्ट बन गया। ठीक है, क्लियर है सर? हेलो,